आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न विधानसभा में से कलश में मिट्टी इकट्ठा कर अहमदाबाद ले जाई जा रही है और वहां से इस मिट्टी को दिल्ली अमृत वाटिका के लिए रवाना करवाया जाएगा। तब आपको बता दें कि आज 5 विधानसभा के विधायकों की ओर से अपने अपने मत इलाके में से इकट्ठा की गई मिट्टी के कलश उनकी अगुवाई में अहमदाबाद रिवर फ्रंट जाने के लिए गोरवा ITI से रवाना करवाए गए। सयाजीगंज विधानसभा के विधायक KU रोकड़िया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर वडोदरा से बस के जरिए अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। अहमदाबाद से 29 अक्टूबर को दिल्ली के लिए यह अमृत कलश रवाना करवाए जाएंगे। वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा मारी माटी मारो देश एटले के वीरों ने वंदन अने माटी ने नमन आ कंसेप्ट साथे समग्र देश नी अंदर आ कार्यक्रम आप्यो हतो। घरे घरे जाइने चपटी माटी अथवा चपटी चोखा लईने एने एकत्र करी अने दिल्ली खाते एनु अमृत वन बने आ दिशानी अंदर एक प्रयत्न करवामां आव्यो हतो। वडोदरा शहेरना विविध वोर्डोमां भारतीय जनता पार्टी अने वडोदरा महानगरपालिका द्वारा वडोदरा शहर लेवल में पण वडोदरा महानगरपालिका अने भारतीय जनता पार्टी द्वारा अमृत कलश यात्राओनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। सयाजीगंज विधानसभामां पण धारासभ्यश्री अने तमाम कार्यकर्ताओ भेगा थईने एक आयोजन सरस कर्युं हतुं अने आजे साबरमती रिवरफ्रंट खाते पण जे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल द्वारा अने सांसद अने प्रदेशना अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीना CR पाटिलजी द्वारा जे अमृत कलश यात्रानुं आयोजन करवामां आव्युं छे एनी अंदर सयाजीगंज विधानसभामांथी 14-15 जेटली बसों अने 50 जेटली गाड़ीमां कार्यकर्ताओ आजे त्यां पहोंची रह्या छे। हजारोनी संख्यामां वडोदरा महानगरपालिकामांथी पण वडोदरा महानगरपालिका अने भारतीय जनता पार्टीना संयुक्त आयोजनथी कार्यकर्ताओ पहोंची रह्या छे। खूब मोटी संख्यामां कार्यकर्ताओ एकत्रित थईने अमृत कलश त्यां अर्पण थशे अने आ समग्र माटी ત્યારબાદ દિલ્હી લઈ જવામાં આવશે। એક સુંદર મજાના આયોજનની અંદર વડોદરા મહાનગરની અંદરથી સુવ્યવસ્થિત આયોજન થયું છે। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન BRG ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર આજ હી BRG ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહે।